हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो तूफ़ान आप देख पा रहे हो ना, ये अचानक से आया था उस दिन और बाद में मैं इसको आपको विस्तार से दिखा रही हूँ। तो चलिए, अभी मैं बना रही हूँ मैगी। ये है वेजिटेबल मैगी मैं बना रही हूँ। तो घर पे जो भी सब्जी थे उनको मैंने काट लिया है सारे, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे प्याज है, पटेटो है और फूल गोभी है। तो आलू, प्याज और फूलगोभी को मैंने यहाँ पे राफली चॉप किया है, ज़्यादा फाइन नहीं किया है, क्योंकि जब आप इस तरह के मैगी या नूडल्स बनाओगे तो थोड़ा सा क्रंची रहे ना वेजिटेबल्स, तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वाइट ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ, और ये फ्राई जब करूँगी तो एकदम पूरी तरह से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैं उसमें मैगी डाल दूँगी। तो आप लोग देखते रहिए, नॉर्मल जैसे आप लोग भी बनाते हो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च भी काट के दे दिया है। तो अभी देखिए, सब्जियां फ्राई होने के बाद मैंने इस पे डाल दिया है मैगी मसाला, यानी कि टेस्ट मेकर जो मैगी के पैकेट के साथ रहता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा पानी। तो ये पानी डालने के बाद ही आप हमेशा जो है नूडल्स डाला कीजिए। पानी डाल के थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे, लाइक गोभी वगैरह थोड़ा सा बॉयल हो जाए, उसके बाद जो है मैगी नूडल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और मैंने ब्रेक नहीं किया है क्योंकि ये जो नूडल्स आएंगे ना वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए, अभी नूडल्स बन के तैयार है, आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा नूडल्स बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, वो जो मैं तूफ़ान की बात कर रही थी ना, जस्ट सडनली आया था और ऐसा हो गया पूरा क्लाइमेट, आप देख पा रहे हो। शुरुआत में तो लग रहा था कि थोड़ा सा बारिश ही होगा, बट अब जिस तरह से हुआ वो मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हुआ था और लगभग घर पे जो है पानी वगैरह आ गए थे विंडो से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ी थोड़ी बारिश जो है शुरू हो गई थी, और इस थोड़ी थोड़ी बारिश के साथ ही वो तेज़ वाला हवा जो है वो आने लगा, और ये तूफ़ान लगभग बहुत देर तक चला था। और इसके कारण तो उस दिन बिजली भी पूरी रात नहीं था, तो आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश हुई थी। और मैं थोड़ी सी आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद आप देख के समझ ही गए होंगे इतना तेज़ था हवा का, और बारिश के साथ पूरा सा एकदम पूरा तूफान मच गया था, आप देख पा रहे हो जैसे। तो अभी देखिए, तूफान तो चला गया लेकिन बहुत पानी आ गया था घर में, और ये जो बालकनी की हालत तो बहुत बुरा था। और ये मेरी बेटी जो अभी टीवी देख रही है और साथ ही साथ जो है फ्रूट्स खा रही है।
उस दिन ना मैं ये जो आप न्यूट्रेला की सब्जी देख पा रहे हो जो सोयाबीन की सब्जी है, इसके साथ एक बिरयानी या पुलाव में बनाई थी, आप कुछ भी बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा बना था और माइक्रोवेव में बनाई थी, बहुत ही झटपट बन गई थी। मैं बाद में किसी दिन पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरी पहली बार थी तो मैंने बस खुद ही उस दिन बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था। जस्ट इस सब्ज़ी के साथ मैं थोड़ा बहुत चावल ऐड करके और थोड़ा बहुत गर्म मसाला और घी ऐड करके मैं बनाई थी। तो ये जो पुलाव बने थे ना बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी बना था और हेल्दी भी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो नेक्स्ट डे या फिर मेरी नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी पूरी तरह से। तो चलिए आज के लिए इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। ज़रूर एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन को प्रेस करके, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।